विश्वास से कहता हूँ कि लोग इसको देखने के लिए गांव के लोग और यहाँ इवन महिला तक आती थी, क्योंकि पूरी चर्चा का विषय हो गया महावर और लोग आते हैं और देखने के लिए कि कैसा ट्रेन है, महावर एक्सप्रेस है। बिल्कुल नहीं, यहाँ तो चार चार मंथ पे वेतन आती है और वैसे में कुछ लोग तो चला लेते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये महिला है तो मेरे साथ जो है जेंट्स पर्सन होंगे वो कमा होंगे वो चल जाता है, लेकिन जो लोग इसी पर पूरी तरह से हैं तो पता नहीं उनका घर कैसे चलता होगा। चल तू दो चार ही कदम मगर जरा तबीयत से कि मंजिल खुद ब खुद चल कर तेरे पास आएगी, यही हालात के रोने रोना रोने वाले या मत भूल कि तेरी मेहनत ही तेरी सूरत बदल पाएगी। सर कि मैं तो मैटरनिटी लीव ली हूँ 3 साल से, वो भी मुझे नहीं मिला है। देखिए नमस्कार, मैं हूं सुनील बोबी, आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं इस समय औरंगाबाद जिला के दाऊद नगर प्रखंड के महावर मध्य विद्यालय में हूं, जहां एक अजब गजब ढंग से विद्यालय में एक परिवेश एक माहौल बनाने की कोशिश प्रयास किया गया है। यहां के प्रधानाध्यापक के द्वारा खुद अपनी कलाकृति को दिखाते हुए दीवार पर ट्रेन के डब्बे का चित्र बनाया गया है, डब्बे को उतारा गया है, मानो देखने से लगता है कि यह रेल का डिब्बा है। जब उनसे बात हुई हमारी तो उन्होंने बताया कि ऐसा कार्य मैंने गर्मी के छुट्टी में ग्रीष्मावकाश में बच्चों को आकर्षित करने के लिए खुद अपने हाथों से यह पेंटिंग किया हूँ। चलिए हम देखते हैं कि आखिर इस विद्यालय की क्या खूबियाँ हैं, क्या अच्छाई है, बच्चे आकर्षित हुए कि नहीं, क्या यहाँ के जनता की कहना है, क्या यहाँ के अभिभावकों को कहना है, क्या युवाओं को कहना है, क्या यहाँ के शिक्षक कहते हैं, क्या यहाँ के बच्चे कहते हैं। चलिए हम लेकर अंदर चलते हैं। मैं अपने कैमरामैन विकास और आलमगीर अख्तर से चाहूँगा कि वो प्रत्येक तस्वीरों को प्रत्येक वीडियो को से आप तमाम दर्शकों को रूबरू कराएं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्यालय के ग्राउंड में प्रवेश कर गया हूँ। यहाँ बच्चों की इस समय पढ़ाई लिखाई चल रही है, शिक्षण कार्य चल रहा है। आज शुक्रवार है, 5 जुलाई 2019 है और मैं यहाँ प्रत्येक क्लास में आपको ले चलूँगा। देखिए यह जो है यहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा यह कलाकृति बनाया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ अभी निर्माण कार्य भी जारी ही है, अभी बहुत सब ये जानकर या सुनकर हमें अच्छा लगा कि यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है खुद अपने हाथों से इस पेंटिंग को किया है, लेकिन यहाँ की कलाकृति और पेंटिंग को देखकर लगता है कि यहाँ के प्रधानाध्यापक के साथ तमाम शिक्षक जो हैं काफ़ी अच्छे कार्य में रहते हैं। हम क्लास में थोड़ा सा लेकर चलते कि क्लास की यहाँ की विधि व्यवस्था क्या है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि बच्चों से भी रूबरू कराएँ, श्याम पट को दिखाएँ कि यहाँ शिक्षकों के द्वारा क्या। सर आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार चंचल हुआ। कब से यहाँ पर हैं? हम 2014 से हैं। यहाँ जो सर पेंटिंग आपके प्रधानाध्यापक के द्वारा किया गया, इससे बच्चों में क्या प्रभाव पड़ा है? बच्चों में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। बच्चों में जो है विद्यालय में ठहरने का बहुत बड़ा एक पेंटिंग से सीख मिली है बच्चों को। सर बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कहा जा सकता है कि बच्चों को ठहराव के लिए, बच्चों के आगमन के लिए, स्कूल तक लाने के लिए मध्यान्ह भोजन है, तो क्या मध्यान्ह भोजन से ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं? हाँ, मध्यान्ह भोजन के साथ साथ पेंटिंग भी बच्चों को बहुत आकर्षित करने का चीज़ है, आकर्षित करता है बच्चों को। देखिए ये कौन सा क्लास है सर? क्लास 8 है। देखिए 8 क्लास में हम लोग बैठे यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ विद्यार्थी अपने क्लास वर्क को कर रहे हैं। क्या नाम हुआ मैया? किस क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास में। यह जो आपके सर के द्वारा पेंटिंग किया गया है वो कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। क्या वो आपने खुद किए हैं? जी। आप लोग को अच्छा लग रहा है? ऐसा हर स्कूल में व्यवस्था होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बच्चे भी आकर्षित हैं, आप लोग को भी अच्छा लग रहा है, पढ़ाई बढ़िया से हो पता है, सभी विषय का गणित हिंदी अंग्रेजी सब पढ़ाई होता है। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए सर के द्वारा मान निकालने की पद्धति बताया गया, हल करने के लिए गणित में बताया जा रहा है। हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ छोटे छोटे नन्हे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। यह किस क्लास के बच्चे हैं सर? यह पहली कक्षा है। आपका शुभ नाम सर? अरुण कुमार श्रीवास्तव। कब से यहाँ हैं सर?
यहाँ 99 ईस्वी से हैं। ये जो विधि व्यवस्था यहाँ नए ढंग से सुचारू ढंग से सुलभ कराया गया है, कब से हुआ है सर? बस हाल ही से हुआ है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए, अब प्रथम वर्ग में हम लोग हैं। बच्चे यहाँ लगता है कि भवन के अभाव में शायद या बरामदे में बैठे हुए हैं, चाहे फिर हो सकता है कि गर्मी के कारण या रूम से बाहर निकाला गया हो, इनकी अपनी व्यवस्था है, लेकिन काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। मैं अगले क्लास में यहाँ प्रवेश कर रहा हूँ। यह कौन सा क्लास है सर? सेवन क्लास है। आपका शुभ नाम सर? गुप्तेश्वर प्रसाद। कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर की सातवें वर्ग में पढ़ाई हो रही है। और बहुत अच्छा, देखिए एक स्लोगन लिखा हुआ है पीछे की ओर, दिखाया जाए कैमरामैन से, चाहूंगा कि वो पीछे की ओर दिखाए। शिक्षक को देंगे सम्मान, पढ़ना लिखा लिखना होगा आसान। बहुत अच्छा है। जब तक शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलेगा, पढ़ना लिखना आसान नहीं होगा। ये बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ सत्य लगता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा। यहाँ जो ट्रेन का डब्बे का जो बनाया गया है, वह कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा। मध्याह्न भोजन मिलता है यहाँ? हाँ। अच्छा लगता है? हाँ। आप नहीं खाती हैं? खाते हैं। पढ़ते हैं? हाँ। क्या क्या, कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है? सब विषय अच्छा। सब विषय अच्छा लगता है। काफी बच्चे भी यहाँ रुचिकर हैं, देखने पर ही लग रहा है कि यहाँ के विद्यार्थी आगे चलकर कुछ करेंगे। आप पढ़ती हैं? किस क्लास में? क्या नाम है? बिहार का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। बहुत बढ़िया। आप बताइए भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? बहुत बढ़िया। यहाँ के तमाम शिक्षक और विद्यार्थी अच्छे हैं। मैं तारीफ नहीं, जो हकीकत देख रहा हूँ उसी को मैं बयां कर रहा हूँ, क्योंकि यह जिला मुख्यालय से काफी दूर पर यह विद्यालय है, ग्रामीण क्षेत्र में है, और शिक्षक और प्रधानाध्यापक की उत्सुकता को देखकर मैं गदगद हूँ। मैं अगले क्लास में यह जो खपड़े का बना हुआ है, मैं पहुंचा हूं। और यहां पर दिनांक नानी तेरी मोरनी हिंदी विषय की चैप्टर बताया गया है। ये कौन सा क्लास है? क्लास टू है। आपका शुभ नाम? नाहिद नाज। किस क्लास में बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं? क्लास टू के। टू के बच्चे हैं। यहां मध्याह्न भोजन मिलता है? जी हां मिलता है। यहां जो एनजीओ से बनकर आता है, यहां बनता नहीं है। चलिए, यहाँ अनुमंडल मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर यह विद्यालय है, इसलिए यहाँ मध्याह्न भोजन एनजीओ के द्वारा बनकर मिलता है। और यहाँ के जो भोजन से आप संतुष्ट रहते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। चलिए, यह दूसरी क्लास की जो व्यवस्था है, थोड़ा यहाँ व्यवस्था सुलभ कराने की जरूरत है। अब मैं अगले कक्षा में प्रवेश कर रहा हूँ, जो पुरानी भवन है, और यहाँ भी गणित की पढ़ाई अभी चल रहा है। या किस क्लास है मैडम? आपका शुभ नाम? अंशु कुमारी। क्या पढ़ा रही हैं आप यहाँ? मैथ्स पढ़ा रही हूँ। मैथ्स में भी सब्ट्रैक्ट घटाव का चैप्टर चल रहा है। अच्छा अच्छा। यहाँ जो आपके प्रधानाध्यापक के द्वारा जो पेंटिंग बनाया गया है, वह कब बनाया गया था? अभी बना है सर, गर्मी छुट्टी में हमारे यहाँ काम चल रहा था, उसके पहले थोड़ा सा समय, मतलब 10 दिन पहले चल रहा था, पूरा कर हो गया, लगभग काम पूरा हो चुका है। इसमें आप लोगों का कितना सहयोग रहा है? हम लोग का सर, वो टाइमिंग सर के पास थोड़ा सा, जब जैसे अभी उन्होंने कहा वैसे हम लोग। देखिए, महिला शक्ति बड़ी शक्ति होती है, आप लोग का सहयोग भी जो है बहुत होना चाहिए। हम लोग क्लास जो है बिल्कुल सही, अगर सर को कुछ दिक्कत भी होती है, बट हम लोग अपने क्लास को सही तरीके से चलाते हैं, ताकि कोई दिक्कत सर के ऊपर ना हो, तो इस तरह से हम लोग का सही सहयोग रहता है उनके साथ। आप प्रखंड शिक्षक हैं, जो सरकार के द्वारा जो नियोजित शिक्षकों का वेतन जो है उससे आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो 4-4 महीने पे वेतन आती है, और वैसे में कुछ लोग तो चला लेते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि चलिए महिला है तो मेरे साथ तो जेंट्स पर्सन होंगे, वो कमाऊ होंगे, वो चल जाता है, लेकिन जो लोग इसी पर पूरी तरह से हैं, तो पता नहीं उनका घर कैसे चलता होगा, तो मुझे नहीं दिक्कत होती है। 4 माह से औरंगाबाद में वेतन नहीं मिला है और नहीं एरियल का भुगतान हुआ है। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है सर कि मैं तो मैटरनिटी लीव ली हूँ 3 साल से, वो भी मुझे नहीं मिला है। बात देखिए, यहाँ जो भी उससे शिक्षक नाखुश हैं, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। अगर व्यवस्था, शिक्षक अगर खुश रहेंगे तो विद्यार्थी भी आगे चलकर कुछ अच्छा करेंगे। सरकार को चाहिए, विभाग को चाहिए कि कम से कम शिक्षक को समय से वेतन दें, लेकिन लगातार सरकार के द्वारा घोषणा किया जा रहा है कि प्रथम सप्ताह में ही वेतन भुगतान होगा, लेकिन अब तक यह वेतन भुगतान हर माह नहीं हो पाया है, 3-4 माह पर वेतन मिलता रहता है। यह 3 क्लास है, बहुत अच्छा है। देखिए, कौवे और घड़े की जो कहानी है,
वह भी यहाँ बनाया गया है। पुरानी यह भवन है, जर्जर अवस्था में है, इसे भी बनाने की जरूरत है। काफी चित्र जो है रोचक है, कमल है, बाग है, आम है, अंगूर, केला, नारियल, अनानास, तरबूज, सेब, हाथी, कबूतर, दवात, छाता, गोभी, सलजम, टमाटर, भिंडी, बैंगन, गाजर, लौकी, अन्य प्रकार के बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। काफी अच्छा व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था जिले सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी यहाँ कार्य चल रहा है। आज जिस प्रकार से पानी की कमी है, पौधे लगाने की ज़रूरत है, उसकी ओर भी यह ध्यान दिया जा रहा है। फूल पत्ती के लिए यहाँ भी निर्माण कार्य जारी है, इसमें फूल लगाए जाएंगे। और इधर जो है, इधर रसोई घर है, ऐसे तो यहाँ भोजन जो है एनजीओ के माध्यम से मिलता है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था जो है काफ़ी साफ सुथरा है। यहाँ एनजीओ से भोजन मिलता है। रसोईया आप लोग हैं मेरा, क्या भोजन में आज का है? आज छोला और भात होना चाहिए। थोड़ा सा चला के दिखाइए सर, इधर देखिए, आज छोला बना हुआ एनजीओ के माध्यम से आया है, और सलाद भी है। काफ़ी अच्छा व्यवस्था यहाँ पर है, और अंडा भी यहाँ प्रधानाध्यापक के द्वारा दिया जाता है भोजन के साथ में। हाँ, उसको एक एक अंडा सबको दिया जाता है, जो अंडा नहीं खाते उनको फल भी दिया जाता है। चावल भी बहुत अच्छा है। मैं उस शख्स से आपको मिलाना चाहूँगा जो यहाँ की विधि व्यवस्था सुधारने का प्रयास अपने आगमन के बाद से ही करना शुरू कर दिए हैं। अब तक मैंने उनका नाम नहीं बता पाया हूँ, आपको रूबरू नहीं करा पाया हूँ। अब मैं उनसे रूबरू कराना चाहूँगा, और यह राजकीय मध्य विद्यालय महावर का प्रांगण है, यह प्रधानाध्यापक का कक्ष है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ जो चेतना सत्र होता है वह माइक के द्वारा होता है। ऐसे तो विभिन्न विद्यालय में जो है माइक एक साधारण ढंग से चोंगा वगैरह लगा कर किया जाता है, लेकिन यहाँ का देखिए क्या खूबसूरती, क्या इसमें अच्छाई है कि एक अच्छे माइक, इस पर शायद नाम लिखा हुआ है, और देखने से ही अच्छा लग रहा है कि सचमुच में जब प्रार्थना होता होगा तो यहाँ पर पूरा अच्छा माहौल बन जाता होगा। बच्चे जो घर में रहते होंगे निश्चित तौर पर प्रार्थना की घंटी सुनते ही, आवाज़ सुनते ही लाउड स्पीकर का पहुँच जाते हैं। माइक भी देखिए स्टैंड में लगा हुआ है। मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक जितनी तारीफ करना चाहूँगा कम होगा, ना तो उनसे हमको कोई विशेष चित परिचित हैं, न उनके बारे में मैं विशेष जानता हूँ, अभी तक खासकर मिला नहीं हूँ। और अब मैं आप लोगों को मिलाना चाहूँगा उस शख्सियत से जो एक जो माहौल शिक्षकों के विपक्ष में बना हुआ है, उसके छोड़कर विद्यालय की ओर शिक्षकों की ओर अच्छाई पैदा करने के लिए काम करके इन्होंने दिखाया है। वह जो भी सरकार से मदद मिलता हो, लेकिन यह अपने आप से पेंटिंग कर व्यवस्था कर, जब मैं यहाँ प्रवेश किया था तो उस समय ने मैंने देखा कि खुद अपने खड़े होकर धूप में काम को करवा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा। जब इस माइक से प्रार्थना होता होगा सचमुच में यह मोहल्ला या गांव तक आवाज जाता होगा, अच्छा लगता होगा। चलिए हम चलते हैं ऑफिस में। प्रधानाध्यापक कक्ष लिखा हुआ है, दूसरी ओर देखिए यहाँ पर सूचना पट, जो भी सूचना निकलता होगा इस सूचना पत्र पर प्रधानाध्यापक के द्वारा चिपकाया जाता होगा। काफ़ी अच्छा व्यवस्था यह है, यह होना भी चाहिए। और मैं यहाँ सुझाव देना चाहूँगा कि एक शिकायत पेटी भी लगना चाहिए, जो बच्चे और अभिभावक यहाँ पर जो आपसे नहीं कहना चाहते हों या अपना नाम नहीं बताना चाहते हों, यहाँ शिकायत पेटी में वह अपना शिकायत डाल दें, तो प्रधानाध्यापक उसको अवलोकन कर उस पर अच्छा काम करना प्रारंभ करें। अब मैं इस समय ऑफिस में पहुँच गया हूँ, और जो पेंटिंग बनाया गया इससे बच्चों की उपस्थिति में कुछ है? बच्चों के उपस्थिति गांव के आकर्षण का केंद्र भी बन गया है, और बच्चे तो आकर्षित हैं ही,
और यहाँ के जो व्यवस्था है वो व्यवस्था से ग्रामीण और बच्चे संतुष्ट हैं, विद्यालय सुचारू रूप से हम लोग चलाते हैं। चलिए अब मैं यहाँ के उस शख्सियत से आपको मिलाना चाहूँगा जिनका अब तक मैंने यह तस्वीर बहुत चीज़ें आप लोग उनके किए हुए कार्य को दिखाया, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। उनका नाम मैं नहीं बताऊँगा, खुद वह बताएंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहन सुखदेव राम। कब से यहाँ हैं सर? हम आपको जुलाई 2017 में यहाँ प्रमोशन लेकर प्रधानाध्यापक के पद पर हम यहाँ आए हैं। जब यहाँ पर आए थे सर तो यहाँ की विधि व्यवस्था को देख कर कुछ आपको लगा होगा? बिल्कुल, चूँकि विद्यालय जो है, चूँकि विद्यालय से काफ़ी हम लोग को लगाव रहा है मेरा, और जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैं रजबरिया कला मध्य विद्यालय रजबरिया कला नवीनगर में था, तो यहाँ पर यहाँ जब आया तो अभी जो आप देख रहे हैं व्यवस्था देख रहे हैं उससे कुछ तो कमी थी विद्यालय का, जैसे फिजिकली जो है व्यवस्था बहुत ही जीर्ण था, तो हमें लगा कि कुछ करना चाहिए। तो एक मौका आया कि अभी जो चुनाव जो आपको संपन्न हुआ है लोकसभा का, तो लोकसभा के चुनाव के पूर्व विद्यालय में कंटीजेंसी आई थी और 71,200 रुपये का कंटीजेंसी आया था जिसमें रंग रोगन और सफाई कार्यक्रम करने के लिए। तो इसी उद्देश्य से मैं विद्यालय को जब रंग रोगन का कार्य करने लगा तो हमें लगा कि बेहतर रंग रोगन कार्य किया जाए और ऐसा कार्य किया जाए ज़रा हटकर किया जाए जी। तो चूँकि हमारी सकारात्मक सोच शुरू से ही रही है तो इसी सोच को मैं यहाँ विद्यालय में उतारने के लिए मैं गूगल पर, जैसा कि मैं और भी आए हुए थे लोग तो बताया कि गूगल पर हमने सर्च किया कि कम संसाधन में बेहतर आउटपुट कैसे लाया जाए ताकि बच्चे विद्यालय के प्रति उनको रुझान मिले कि नहीं विद्यालय जाना चाहिए, विद्यालय के महत्व को समझे। तो इस व्यू से जब गूगल को खंगारा तो बहुत सारे विद्यालय बने हुए थे पूर्व में और उसमें से ऐसा ही ट्रेन का लुक जो है राजकीय मध्य विद्यालय डुमरिया गया का लुक हमने देखा जी। तो हमें लगा कि उस लुक को अपने विद्यालय में उतारना चाहिए, तो इसको मैंने शुरू किया। जब शुरू किया तो उसमें मॉर्निंग क्लास चल रही थी तो सभी शिक्षक अपने क्लास में एंगेज रहते थे, तो जब छुट्टी हो जाती थी तब मैं अपने हाथ से उसको काम करता था और 5 बजे 5:30 बजे 6 बजे तक करता था। क्या चित्र बनाने का कला सर बचपन से याद में रहा? हाँ बिल्कुल, ये तो रहा है बचपन से ही, मैंने इसके प्रति कोई आर्ट के प्रति एक रुझान रहा है, हमें लगता है कि किसी देख कर मैं उतार सकता हूँ। हाँ, और इसी कारण मैं इसको उतारा भी है और आगे भी बहुत सारा भी कंस्ट्रक्शन का जैसा आप देख रहे हैं कि चल रहा है, तो इसमें भी और भी बेहतर मैंने कि होने जा रहा है, जैसे कि अब इसमें पेड़ पौधे लगाना बरसात कस में आ गया है तो पेड़ पौधे भी लगाने हैं। और शैक्षणिक जो माहौल है हमारा, जैसे अभी सर संजय सर बता रहे थे और भी स्नातक कला पर भी अरुण कुमार श्रीवास्तव जो पूर्व प्रधानाध्यापक थे उनके द्वारा भी बेहतर शैक्षणिक माहौल था और कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, तो उसमें और बेहतर बनाने के लिए मैं आगे बढ़ करके एक कदम बढ़ करके कार्य कर रहा हूँ और मुझे तमाम चीज़ को काफ़ी सहयोग मिलता है। इसमें गाँव और विभाग का क्या सहयोग, चाहे क्या मतलब उनका सोच रहा सर? जब मैं काम करने लगा तो मैंने कि जब रंग रोगन शुरू किया उसी समय अभिभावक को लगा कि सर ये तो बहुत ऐसा रंग रोगन तो विद्यालय में होता ही नहीं है, क्योंकि मैं प्लास्टिक पेंट की किया हूँ, जनरल पेंट तो है नहीं, ये बाल्टी पेंट है, प्लास्टिक पेंट है, ये बहुत महंगा पेंट है। तो ये पेंट से ही उनको लगा कि स्कूल में ऐसा पेंट तो कभी देखा ही नहीं है, तो ऐसा पेंट हो रहा है, तो उस पेंट देख कर ही उन लोग काफ़ी रुझान हुआ। और जब ये जब ट्रेन का लुक हमने बनाया तो मैं आपको विश्वास से कहता हूँ कि लोग इसको देखने के लिए गाँव के लोग और यहाँ इवन महिला तक आती थी, चूँकि पूरी चर्चा का विषय हो गया महावर में और लोग आते हैं और देखने के लिए कि कैसा ट्रेन है, ये महावर एक्सप्रेस है महावर एक्सप्रेस है, और बच्चे इस पर कभी कभी आते हैं, गार्जियन आते हैं तो अपना फोटो भी खींच करके ले जाते हैं बच्चों को खड़ा कर करके। तो इससे क्या हुआ कि जो एक शैक्षणिक माहौल में कहा जाता है जैसे नवाचारी शिक्षा की बात हो, आनंददायी कच्छ की बात हो, तो उसका एक पार्ट है ताकि जो हमारा प्राथमिक शिक्षण है उसको देख कर काफ़ी मैंने कि खुश रहता है और बच्चे इसे काफ़ी, अभी मैं बताऊं कि 2 विद्यालय चल रहा है हमारा प्राइवेट स्कूल, उसके बच्चे जो हमारे यहाँ नामांकन की होड़ लगाए हुए हैं कि सर मैं यहीं पढ़ूंगा, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पढ़ना है बाबू तो फिर तुमको नाम नहीं लिखाना है, नाम लिखाकर कंटिन्यूस आना है, ऐसा नहीं कि नाम लिखा है विद्यालय में जाकर। यानी कि यह जो आप पेंटिंग किए हैं बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, विद्यालय की ओर बच्चे आकर्षित हों? बिल्कुल, आकर्षित हुए हैं, अभी हमारे यहाँ इनरोलमेंट जो है अब 419 बच्चे हैं और अभी नामांकन अभी जारी है। कितना इसमें आप सफल हुए सर? अब देखिए तो मैं तो जब आप आए थे उस समय कितना नामांकन था, अब कितना है? पहले से नामांकन बढ़ा है, बढ़ने की उम्मीद भी है। हाँ बढ़ेगी और भी बढ़ेगा, ये तो अभी अब मैं तो कहता हूँ कि फिर कभी मौका मिलेगा तो आप आएंगे तो इससे भी और बेहतर आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा लगा है सर। सर आगे की आपकी योजना क्या है? आगे की योजना में कुछ हम जो गवर्नमेंट का जो
विद्यालय के प्रति जो फिजिकली है, जैसे बिल्डिंग, अभी हमारा जैसे क्लास 1 से 8 क्लास चलते हैं, मिडिल स्कूल है अभी, अभी अच्छा कक्ष जो कहा जाए अभी 4 ही कमरा है मेरे पास, जबकि मिडिल स्कूल में कम से कम न्यूनतम कक्ष 8 होना चाहिए। तो अभी इधर खपड़ा का है, जब हम आए थे तो काफ़ी अच्छू रहा था, तो इसको हम अपने स्तर से इसको पूरा मरम्मत करवाया ताकि देखें बच्चे भिंज रहे हैं। तब हमें लगा कि नहीं ये तो गलत बात है, तब मैं उसको यहाँ के लोगों से बुला करके रिपेयरिंग करवाया, अब बच्चे पढ़ रहे। तो वो कम से कम उसमें ACR 4 एक बिल्डिंग मिल जाता है, 5th स्टेयर, तो हमारा 8 कमरा हो जाता है। ये हुआ, ये गवर्नमेंट की तरफ से हम अपेक्षा करते हैं कि इन फ्यूचर हमको एक कमरा दें तो यहाँ पर कमरा बन जाएगा। नंबर 1 बाउंड्री का लिए है, तो बाउंड्री का भी भविष्य में बनने वाला है आपको जानकारी के लिए। प्लस में ये सब गार्डन जो है, गार्डन भी लगानी है, और ये सब लगने के बाद मुख्य रूप से यहाँ बच्चों को कुछ क्रिएटिव कर करके यहाँ आगे बढ़ने के लिए कुछ निकाले, जैसे नवोदय है, सिमुलतल्ला है, क्या कहते हैं, सैनिक है, तो इस तरह के बच्चे और निकले तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। ये हमारी योजनाएं हैं कि एक्स्ट्रा क्लास चला करके हमें। अभिभावक के लिए आपका क्या अपील होगा सर? अभिभावक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शिकायत नहीं करिए, सुझाव दीजिए, क्योंकि शिकायत से विकास नहीं होता, सुझाव से ही विकास होता है। और विकास के लिए कहा जाए कि जैसे दोनों हाथ से ताली बजती है, तो बस उनका सुझाव मिलता रहेगा, हम उनको सुझाव को अमल करके सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ के बिहार के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश हो सर? यहाँ विद्यार्थियों को लोग कहेंगे कि कम से कम, मैंने 2 पंक्तियों में मैं कहना चाहता हूँ उनके लिए कि चल तू 2-4 ही कदम मगर जरा तबीयत से, कि मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी, यही हालात के रोने वाले यह मत भूल कि तेरी मेहनत ही तेरी सूरत बदल पाएगी। और मैं गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूँ, अपने विभाग को खास करके, कि जो शिक्षक काम करते हैं इतना लगन और मेहनत से, जो हमारे शिक्षक काम करते हैं, पूरे बिहार के शिक्षकों पर योग्यता है, मैं विश्वास और दावे से कहता हूँ, लेकिन उनके जो वेतन संबंधी दिक्कत है, जैसे कि मेरा ही फरवरी से अब तक का वेतन नहीं मिला है, और इस परिस्थितियों में मैं काम कर रहा हूँ, एकदम जीवट होकर काम कर रहा हूँ। कैसे काम कर रहा हूँ? क्योंकि शिक्षक जो होते हैं या कोई भी कर्मी होते हैं, वह वेतन पर ही वह लाइफ रहता है। तो अगर हाँ बेटा, तो वो चीज़ें जो हैं उनको मैं कहूँगा कि आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हुए शिक्षकों को प्रति माह वेतन मिलनी चाहिए। अगर प्रति माह वेतन मिलता है तो उनके अंदर सकारात्मक सोच बनी रहेगी ऑलरेडी, और फिर जो उनके जो कार्य हैं वो अपने दायित्व को बेहतर में और बेहतर निभा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे, और आप क्या चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगा, क्या खराब लगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि यहाँ के प्रधानाध्यापक वह कमेंट को देखकर इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि शिक्षक और शिक्षा विभाग की खबरों से आप रहें अपडेट। जय हिंद, जय भारत।